अस्सलाम वालेकुम गाइस, हेलो जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो जी मैं आपका अपना शेराजी आप देख रहे होंगे जी। मैं इतना बना ठना हुआ क्यों हूँ, तो सीन ये है कि अचानक हमें जाना पड़ गया जी फुफो के घर। तो वहाँ से आगे कज़न के साथ प्लान बन गया सियालकोट का, तो अभी देखते हैं क्या शॉट बनते हैं। पीछे जी कटाई चल रही है जी चावल की फसल की। ये देखें माशाल्लाह, चावल की फसल जो है ये पक चुकी है, बिल्कुल तैयार है और इसकी कटाई स्टार्ट हो गई है। तो यही मुझे बड़ा दिलकश नज़ारा लगा, मैंने सोचा यहीं से व्लॉग स्टार्ट किया जाए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जी मैंने जाना है फुफो के गाँव। फुफो के गाँव हम गए हुए थे और वहाँ से हमारा प्लान बन गया। मीट माई कज़न चांद भाई, ये आए हैं जी बाहर से मस्कत ओमान से, और ये भाई इन्हीं के दोस्त हैं और जवाद के भी, जवाद भाई के भी दोस्त रह चुके हैं। तो इनके पास ये आए थे जी सरप्राइजली। ज़रा वक्त दस्यो किस तरह है, बहुत गाल पे ही रहते। मैंने अपना स्टैंड लेना है और अपने भी कपड़े लेने हैं, और तीसरा ये कि ब्रांड विलेज जाएंगे और थोड़ा सा फ़ोटोशूट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और सब कुछ आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तो चलते हैं जी अभी सियालकोट की तरफ। ले जी हम आ चुके हैं सियालकोट, और मैं कैमरा ऑन करना भूल गया था क्योंकि हमें शॉप नहीं मिल रही थी। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं जी अपने कपड़े वगैरह, क्योंकि शर्टें यार मेरे पास कम थी। आए तो बेसिकली हम हुडियाँ लेने थे लेकिन वो हमें कुछ पसंद नहीं आई, तो अभी एक शर्ट हमने पसंद की है जी, ये वाली फाइनली तकरीबन आधा घंटा सड़क पाने के बाद, और अभी कुछ चीज़ और देख के, और फिर हम जब भी जो कुछ भी फाइनल करेंगे तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये हमने दो शर्टें पसंद की हैं बड़ी मुश्किल से, और ये इनका बैक प्रिंट है। और ये दुकान स्पेशल जो है ना प्रिंट की वजह से मैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे, मैंने टिकटॉक से देखी थी इनकी आईडी। तो यहाँ पे आए हैं काफ़ी घंटा डेढ़ चीज़ें देखने के बाद हमें दो शर्टें ही पसंद आई हैं, और भी चीज़ें हैं काफ़ी सारी डिस्प्ले में आप देख सकते हैं, लेकिन सीन ये है कि जो हमें पसंद आई हमने वही ली है। तो अभी करते हैं इन्हें पे और अपनी शर्टें लेते हैं और चलते हैं यहाँ से दूसरी साइड पर, वहाँ से जाकर हमने पैंटें भी लेनी है। मैंने ये हमारा बिल फट रहा है और अलहमदिल्ला ये ले ली है। अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, वहाँ पे जाके हमने लेना है जी अपना स्टैंड। चलते हैं जी, घूम फिर रहे हैं और देखते हैं क्या नाम है उधर। चलो उधर उधर जिधर वो हमारा भाई बोलेगा उधर ही चलेंगे। ख्याल है भाई, खैरियत जी, सही है। मैं ड्रेस पैंट, जीन्स में ड्रेस पैंट चाहिए, चाइना नहीं होगी? चाइना में वो आपके इधर नहीं मिलेगी। आपके पास कौन सी वाली है, वो बेल्ट वाली जो है स्ट्रेच वाली? वही मांग रहे हैं ना, स्ट्रेच वाली बेल्ट में जो कमर पे दाग होता है। हाँ जी हाँ जी, वो आपको भी माल में मिलेगी, भी माल में मिलेगी। चलिए फिर, भी हेलमेट है कोल, आई डी कार्ड लिया ना पाकिस्तान वे मैं नाल वाले भी अप्लाई बड़ी देता पैसे ही। ले जी हम पहुंच चुके हैं सियालकोट सिटी प्लाजा, जो कि बड़ा मशहूर है, और यहां से हमने जी लेना है अपना शोर बड़ा। हाय हाय चसा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जी? मोबाइल जी कितने? ₹1800 का, और वो जो ब्लैक कलर में था वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का था, वो फिलहाल यार मिलेगा कहाँ से यहाँ? घूम फिर की जी, जजाक अल्लाह शुक्रिया। चलो जी अच्छी चीज़ों के लिए जलावत तो काटनी पड़ती है जी। सियालकोट की मार्केट, और हम छपरियों की तरह घूम रहे हैं इधर। खैर इंशाल्लाह मिल जाएगा, और मुझे लगता है शायद मिल ही गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैर ये ठीक ठाक? ये स्टैंड चाहिए टाइप, हाँ इस तरह का, ये तो रिंग लाइट का ना, हमें दूसरा चाहिए। हाँ जी, नहीं जी पूछते पछाते घूमते घुमाते हम पहुँच गए एक जगह पे, और यहाँ पे मेरी स्टैंड एक नज़र आया है
380 और क्या रेट है इसका? 2200। अच्छा यार, मैं इसकी नज़र थोड़ा सा मजबूती वगैरह चेक कर लूँ, मैं देख लूँ कि ये मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं, फिर मैं करता हूँ दोबारा से कैमरा। नहीं जी, ये हमने देखा है, लेकिन मुझे इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन लगी है, क्योंकि चीज़ बंदा एक बार ले, वो कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, पैसे एक बार ही दे लेने चाहिए, ऐसे 6 महीने बाद फिर इसकी कोई चीज़ टेढ़ी हो गई टूट गई होगी, फिर मैं उसका वो पार्ट ढूंढता फिरूँगा। नहीं जी, उससे थोड़ा सा अपग्रेड मॉडल मंगवाया हमने। क्या पार्ट है? कमेंट्री कर मेरा, ये पार्ट दिखाऊंगा बाद में, जब मैं रिव्यू करूंगा ना इसका, फिर मैं दिखाऊंगा सारा कुछ, कि मुझे ऐसे ही की ही ज़रूरत है, लेकिन देखते हैं रेट शेट क्या बनता है। और मुझे जो मेन प्रॉब्लम है वो इससे है, ये एजेस ख़राब कर देता है मोबाइल के ना, ये आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, ये मोबाइल के एजेस ख़राब कर देते हैं। हाँ, ये इसके साथ वो जो दूसरे होते हैं गोरिल्ला के साथ लगते हैं, वो खींचने वाले पास जी। मैं ATM मारने के लिए जाने लगा था, अब चांद भाई ने बोला जी मेरे पास कैश है और अभी दे देते हैं पैसे और हम अपनी प्रोडक्ट ले के चलते हैं जी। ठीक हो गया? आहो है, नहीं देने हैं और किन्ने देने जी। जजाक अल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी शुक्रिया। चलो ड्रेस पेंट चाहिए, साइज 36। कॉटन जीन्स निकलती हैं, देखते हैं और पसंद करते हैं क्या शॉर्ट बन। चोल जी रख लाया। फुल ब्लैक नहीं है ये, थोड़ा सा ये सेल्फ ब्लैक है, लेकिन है ये भी जेट ब्लैक। ये दो पेंटे मैंने ड्रेस पेंटे जो है ये चूज़ की हैं, और चलते हैं जी अभी यहाँ से। ये अभी मिली हैं जी तकरीबन 4K लगभग। हम सिटी प्लाजा में फिर रहे हैं अभी तक। सिटी प्लाजा दुकानदार गई ना सब्जी, क्या नाम? अजवा कलेक्शन। अजवा कलेक्शन जी, आप भी जरूर आए विजिट करें, और अभी इन्हें करते हैं पैक और निकलते हैं। चांद भी और कुछ लेना? अब जी मारते हैं ATM, और मैंने जो चांदी के सारे पैसे लगवा दिए हैं वो चांदी को वापस करते हैं, चलते हैं ब्रांड ब्रिज वहाँ से कुछ खाते हैं। तो अगर वीडियो का मजा आ रहा है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलते हैं अभी सीधा ATM पे। ATM मार लिया जी हमने, और हम अभी जा रहे हैं जी सीधा ब्रांड ब्रिज की तरफ, वहाँ बैठ कुछ खाते पीते हैं और वहाँ से फिर चलते हैं थोड़ा सा फोटो शूट करते हैं और फिर चलेंगे जी घर की तरफ वापस। चांद भी लोग लगा रहे हैं जी अपनी बाइक, और ये रहा जी ब्रांड विलेज, और 12:14 हुए हैं, और आधे से 2:16 हो गए हैं जी। दिमाग हिल गया, गर्मी काफ़ी ज़्यादा, ये धूप लग नहीं रही है लेकिन ये है काफ़ी है। तो हम पहुंच चुके हैं जी ब्रांड विलेज, और मेरे ख्याल में ये ओपन होते हैं 4:30 के बाद तकरीबन, आधे ब्रांड जो हैं वो बंद होंगे। कोशिश करते हैं कि कोई अच्छी प्लेस हमें मिले, तो वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर चिल आउट करें, और हमें थोड़ा सा काम भी है वो भी यहीं पे बैठ के निपटा लेंगे। तो अभी चलते हैं जी किसी अच्छे से कैफ़े या किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। थैंक
ਐਸਾ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਚਲ ਗਈ ਲੈ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਨਿਊ ਆਊਟਲੈਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਉਮੈਰ ਬਾਈ ਨੇ ਔਰ ਉਮੈਰ ਬਾਈ ਕੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ੇਕਸ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਇਨਕੀ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਹਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਥੇ ਮੈਸਮ ਬਾਈ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ ਆਪਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਉਮੈਰ ਬਾਈ ਕੇ ਬਾਈ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਰ ਆਪਨੇ ਮਿਲੇ ਹੋਗੇ ਔਰ ਇਹ ਉਮੈਰ ਬਾਈ ਕੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਆਏ ਵਹੀ ਹੈ ਅਭੀ ਹਮ ਬੈਠਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਸੀਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸੁਕਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੋਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਗੈਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਤਬ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੀਜੀ ਲੈ ਜੀ ਹਮ ਰੂਫ ਟੋਪ ਪੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਮਹਿਰ ਬਾਈ ਕੇ ਪਾਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਅਭੀ ਹਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਜੀ ਬੱਟ ਕੜਾਈ ਪਰ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਰਡਰ ਹਾਂਜੀ ਚਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੜਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕੜਾਈ ਕੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕੜਾਈ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਕੜਾਈ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਹੋਈ ਜੀ ਖਾਣਾ ਆ ਜਾਏ ਜੀ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੀ ਏ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਜੀ ਅਭੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨਿਊ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਫ ਹਾਫ ਕਰਵਾ ਲਓ ਨਾ ਦੋ ਦੋ ਇੱਕ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਹਾਫ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕੜਾਈ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਦੇਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਰਡਰ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜੋ ਮਸ਼ਰ ਉਤਰ ਤੇ ਜੀ ਆਰਡਰ ਆਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਅਭੀ ਜਰਾ ਮੈਂ ਗੱਪੇ ਛੱਪੇ ਮਾਰ ਲਾਂ ਕੀ ਹਾਂ ਬਣੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਦਿੱਤੀ ਖਾ ਕਟਣੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਇਹ ਕੜਾਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਭੀ ਕੜਾਈ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਾ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸੇ ਸਟਾਰਟ ਲੈ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਕੜਾਈਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਚਾਂਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰਾ ਹੋਇਆ ਚਾਂਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਮਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਘਰੋਂ ਕੋ ਇਹ ਚਾਂਦ ਬਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪਕੜ ਕੇ ਤਾਂ ਅਭੀ ਚਲਤੇ ਹੈ ਜੀ ਵਾਪਸ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਹੈ ਕਲਿਕਸ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੜਾਈ ਹਮਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਵਾ ਲਈ ਥੀ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਥੀ ਆਧੀ ਆਧੀ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਮ ਲੈ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਘਰ ਵਾਪਸ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੀ ਹਮਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਹੈ ਅਭੀ ਹਮ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਔਰ ਸਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਤੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਚਲੇਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਤੋ ਇਹ ਥਾ ਅੱਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਵਲੌਗ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਕੋ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੀਜੀਏ ਔਰ ਚੈਨਲ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੀਜੀਏ ਤੋ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਮੇਂ ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਝੇ ਦੀਜੀਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।